ओम शांति बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी शाला में। तो बच्चों, आज हम आपको हिंदी शाला में पढ़ाएंगे आपकी नई कहानी ईशान का बस्ता। तो बच्चों, इसमें एक बच्चा है ईशान और हम पढ़ेंगे उसके बस्ते की कहानी कि किस प्रकार ईशान अपने बस्ते का ध्यान रखता है और वो उसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो एक बच्चा था ईशान, वो अपने पाठशाला से घर की ओर चल दिया। वो थोड़ा लापरवाह बच्चा था और चलता रहा रास्ते में भी बच्चों को जानवरों को परेशान करते हुए चलता रहा। तभी जब वो घर आता है और उसने लापरवाही से अपने बस्ते को मेज पे पटक देता है। फिर उसने क्या किया, अपना बैग उठाया और खेलने के लिए चल दिया। अभी वो कमरे के बाहर जाने ही लगा था कि तभी क्या हुआ, उसे अपने कमरे से किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। ईशान को लगा कि लगता है मेरे कमरे में कोई रो रहा है। पर ईशान ने सोचा, मेरे अलावा तो कमरे में कोई नहीं था, फिर कौन हो सकता है। ईशान पर्दे के पीछे छिप के अपने कमरे से आने वाली आवाज़ों को सुनने लगा। तभी उसने सुना कि यह कौन बोला, अरे यह तो मेरे बस्ते की आवाज़ है। हाँ, अभी ईशान ने जो अपने बस्ते को फेंका था, ये वही बस्ता था और वो कराह रहा था दर्द से। उसको दर्द हो रहा था, आह बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्या करूँ, ईशान मुझे रोज़ ऐसे ही पटक देता है, सच कह रहे हो। तभी पेंसिल आ जाती है बस्ते में से निकलकर। सच कह रहे हो भैया, मुझे भी ईशान डिब्बे में कभी नहीं रखता, मैं बस्ते में इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, मेरी नोक भी कई बार टूट जाती है और ईशान मुझे बार बार छीनता रहता है जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। तभी रबड़ निकल कर आती है। मेरा हाल तो देखो, रबड़ ने क्या कहा, मेरा हाल देखो, ईशान मुझे इतनी बार घिसता है कि मेरा तो रंग ही काला पड़ गया है, मुझे घिसता ही रहता है। ईशान ये सारी बातें बाहर पर्दे के पीछे खड़ा हुआ सुन रहा था कमरे से बाहर। तभी कॉपी जो अभ्यास पुस्तिका है जिसमें बच्चे लिखते हैं, वो कहती है, और मेरा हाल तो देखो, मेरे प्रश्नों पर एक भी अक्षर ठीक से नहीं बनाता ईशान, इतनी गंदी सुलेख में काम करता है कि मैं क्या करूं, और बार बार रबड़ से मेरे ऊपर मिटाता ही रहता है कि मेरे तो सारे पन्ने ही फट गए हैं। बच्चों, प्रश्न का अर्थ क्या होता है, पन्ने यानी पेजेस। तो कॉपी कहती है कि मेरे सारे पन्ने ही फट गए हैं और हम पर भी सारा मेरा जो काम है, मेरे ऊपर किया गया, वो सारा काम भी अधूरा ही है। अब किताब आती है, किताब ने भी शिकायत की, और मुझे देखो मेरा हाल क्या बना रखा है, मेरे ऊपर तो जो कवर चढ़ाया वो जिल्द तक फट गई है, कभी मेरे पृष्ठों को ठीक से नहीं पलटता, मेरे सारे इतनी ज़ोर से मेरे पन्नों को पलटता है कि मेरे सारे पृष्ठ इधर उधर हो चुके हैं, मैं फट चुकी हूँ, मेरे जिल्द फट चुके हैं। अब थोड़ी देर में सारे के सारे ये बातें कर रहे थे, ईशान सुन रहा था। अचानक से बस्ते में से गंध आती है, सारे पेंसिल रबर कॉपी किताब सब ने अपने नाक पर हाथ रखा कि अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है। जैसे ही लंच बॉक्स जो टिफिन है ईशान का वो बाहर आता है, सब बदबू के मारे भागने लगते हैं, अरे इधर भागो उधर भागो, बहुत गंध आ रही है इसमें से, तो बहुत गंध आ रही है। तो टिफिन क्या कहता है, टिफिन कहता है, अरे इसमें मेरी क्या गलती है अगर मुझमें से स्मेल आ रही है या बदबू आ रही है, जब ईशान मेरे अंदर रखा हुआ खाना ही नहीं खाता, वो कभी पूरा खाना ख़त्म नहीं करता और कभी कभी तो मेरे अंदर रखा हुआ खाना शाम तक पड़ा रहता है और इस वजह से मेरे अंदर से गंध आती है। तो तभी स्केल फुट्टा भी आ जाता है, कह रहा साथियों, अब स्केल से हम क्या करते हैं, स्केल से हम करते हैं लाइन खींचते हैं और कभी कभी पिटाई के काम भी आता है। तो स्केल उनका नेतृत्व करता है, कहता है चलो साथियों, आज हम ईशान से बदला लेंगे, उससे बात करते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है। अब ये सारी बातें ईशान बाहर से सुन रहा था, तभी वो अंदर आ जाता है और कहता है, प्यारे दोस्तों, मैंने तुम सभी की बातें सुन ली हैं और मुझे माफ़ कीजिए, आगे से मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगा, मैं आप सब लोगों को बहुत संभाल कर रखूँगा, अपनी पेंसिल को, अपनी कॉपी को, अपने बस्ते को साफ सुथरा और सजा के रखूँगा, आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो सारे जो उसके बस्ते का सामान है वो सब खुश हो जाते हैं और ईशान की बात मान लेते हैं। तो ईशान अच्छा बच्चा बन जाता है और अपने बस्ते को साफ रखना सीखता है, उसके अंदर सामान को ठीक प्रकार लगाता है।
तो बच्चों इसी तरीके से आप भी, आशा करती हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने बस्ते का ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से उसमें अपने सामान को रखेंगे, किताबों का ध्यान रखेंगे, पेंसिल को अच्छे से रखेंगे, कूड़ा के बैग के अंदर नहीं डालेंगे। तो ये तो थी आपकी कहानी, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब है टाइम आपके कुछ करने के लिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में एक बस्ते के अंदर जो जो भी सामान आप रखते हैं उसका चित्र पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्थान पर बनाना है। ये आपकी एक गतिविधि है। इसके अतिरिक्त आपको अपनी पुस्तक में एक कार्य करना है जो पृष्ठ संख्या 56 और 57 पर दिया गया है। उसमें कुछ शब्द अर्थ हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहानी के अंदर आपको बताया, पाठशाला का मतलब होता है स्कूल या विद्यालय, एक स्थान, बैट जिससे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला कहा जाता है उसको, अक्षर यानी वर्ण जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं उसी प्रकार अक्षर हिंदी में वर्ण कहे जाते हैं, जिल जो कि हम अपनी कॉपी पर चढ़ाते हैं, पृष्ठ पन्ना यानी पेजेस, और कोशिश का मतलब होता है प्रयास करना जो कि अब आप इसके कहानी के बाद से अपने बैग को ठीक करने के लिए करने वाले हैं, ज़रूर से करिएगा कोशिश। अब इसके ऊपर जो एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको खुद से करनी है पाठ के आधार पर, और कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछूंगी अभी, और आपको बता रहे हैं कि कहानी के अंदर ये किसने कहे हैं, कितनी काली हो गई हूँ मैं, कौन कहेगा ये, किसने बोला, इरेजर यानी रबड़ ने कहा, हमारी तो जिल्द ही फट गई है, किताब ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती है, यह किसने कहा, टिफिन ने कहा या खाने के डिब्बे ने कहा, मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ, पेंसिल ने कहा, अब हम सब ईशान से बात करते हैं, हम पर काम भी अधूरा रहता है, ये दोनों वाक्य किसने कहे हैं, इसको आप स्वयं से करेंगे। इसके अतिरिक्त एक आपका मूल्य आधारित प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, अपनी चीज़ें संभाल कर रखना क्यों अच्छा होता है, इसका उत्तर आप अपने आप से देंगे कि अपनी चीज़ें संभाल कर हम इसलिए रखते हैं जिससे कि वो हमें समय पर मिल जाए और हमारी चीज़ें स्वस्थ रहें, अच्छी रहें, और अगर हम उन्हें संभाल कर रखेंगे तो वो भी हमारा उचित ध्यान रखेंगी। इसके अतिरिक्त बच्चों आप अपने तरफ से भी उत्तर इसका लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और आपको अपना कार्य समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। टिल देन बाय बच्चों।